नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो आपने देखा मैथमेटिक्स कितना इंटरेस्टिंग है, देखा ना। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि एक मैंने टेबल सिखाने का काम शुरू किया बच्चों को। टेबल, टेबल्स जानते हो ना, पहाड़े। बच्चों को मैंने देखा एक दुनी दूनी, दो दुनी चार, तीन दुनी छह, चार दुनी आठ। तो मैंने कहा ये क्या, कोई नया मेथड बताओ ना। कहते नया मेथड सर, कई लोगों से पूछा नहीं बता पाए। तो मैंने दो तीन मेथड ढूंढ लिए, बना लिए। तो आप, मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेबल ऑफ एट। कौन सा eight. आपके लेवल का नहीं है, लेकिन आपके लेवल से कहीं ऊपर के लेवल का। क्यों? क्योंकि आपको मैं पूछूंगा सबसे बड़े से बड़ा टेबल कौन सा आता है। चलो पूछ ही लेते हैं। बिटिया तू बता, तुझे कौन सा बड़े से बड़ा टेबल आता है? हाँ यस, 12। चलो एक कंडीशन लगा देते हैं बेटे। एक कंडीशन है प्रोफेसर के हम किसी से सुनेंगे नहीं, जो मर्जी बोल दे वो, ये हमारी गारंटी है। लेकिन ये बताना है आपको बड़े से बड़ा टेबल कौन सा आता है। ये बेटा 13, 13 का ईमानदारी। यस 12, सुनूंगा नहीं, जितना मर्जी बड़ा बोल दो सुनूंगा नहीं। हाँ बेटे तू बता, है हजार का एक कमाल कर दिया। यहां से सीखना है हमें कि बच्चे का कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है, जब उसको टीचर बोलता है कि कोई परवाह नहीं है, चल आ जा, बन गया ना। अच्छा अब आप में से कोई भी इसने 1000 का बोला है, कोई इससे ज्यादा बड़े वाला जानता है तो आप खड़ा करो। 10,000 कमाल कर दिया। हाँ जी, और कोई इससे बड़ा? इधर भाग के भाग के भाग के, अरे तुझे ढूंढने आया था मैं। वेल डन, यू आर डन वेल। लेकिन बात पे फिर वही है, सीखने की, ऑब्जर्वेशन की। ठीक है बेटा, नाम क्या है? अंकित। अंकित, अंकित बेटे ये बात यही है कि मैंने जब पहली बार पूछा 12, दूसरी बार पूछा 13, तीसरी बार पूछा 12, चौथी बार पूछा, पांचवी बार पूछा 1000, 10,000, लेकिन क्या कैसे हो गया ये 100 करोड़ तक पहुंच गए? यार जरा सा बैठे हैं 5 मिनट के लिए हम मिलजुल कर, और एक बच्चा 12 से शुरू होता है 100 करोड़ के ऊपर कैसे? पूछ ले। हाँ जी बेटा, अंकित वेलकम इन दिस वर्कशॉप। तो आप कौन सी क्लास में पढ़े? BSc सेकंड ईयर। तो पहले तो ये बताओ कि ये 100 करोड़ का टेबल आपको सिखाया किसने? सिखाया नहीं। कल से बोलो अपने एजुकेशन मिनिस्टर जी को कि सारे स्कूल बंद करो। क्या जरूरत है, ये तो किसी ने नहीं सिखाया, तब भी इसको 100 करोड़ का आता है यार, कमाल की बात है ना। किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन फिर ये आपको कैसे आ गया? वो बेस क्या है हमें बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन ये बात जब वो 12-13 बोल रहे थे तब 100 करोड़ दिमाग में क्यों नहीं आया? जब उसने 1000 बोला तो दिमाग में 100 करोड़ आया। सोच लिया था कि यही बोलूंगा। तो भाई ठीक है, अपने बच्चों के ऊपर हमने ये शर्त लगाई थी, कंडीशन थी कि जो बच्चा बताएगा कि बड़े से बड़े वाला टेबल मुझे ये आता है तो उससे सुनेंगे नहीं। कहा था ना मैंने, अंकित नहीं सुना जाएगा आपसे, क्योंकि हमें विश्वास है हम ही पढ़ाते हैं। कि हम कैसे पढ़ाते हैं हमें मालूम है। अभी इसका प्रूफ दिखा देते हैं क्या है। अंकित, अंकित आपको 118 का टेबल सुनाना या लिख के दिखाना। 118 बस ऐसे। अरे मल्टीप्लाई कर रहा है, 100 करोड़ का तो ऐसे ही आ गया। वो आसान है, ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, इसको अगर आसान कर दे तो उसको बोलेंगे टीचर, अगर इसको आसान कर दे तो उसको बोलेंगे टीचर। ठीक है, तो चलिए आगे इसको आसान करते हैं हम। ये मैंने एक नंबर लिख दिया है, मोबाइल का नंबर 10 डिजिट होता है, तो ये 8 के टेबल का भी
मोबाइल नंबर है 8640 8640, ये मैंने डेवलप किया बच्चों के लिए। तो अब उन बच्चों को बोलता हूं कि इसको कंप्लीट कर दो। कहां रुके हैं? 4 से स्टार्ट विद 4। द टेबल ऑफ 8 इज रेडी। टेबल ऑफ 8 इज रेडी। नाउ 8 to 18, 8 16 24 32, आई हैव रिटन अप टू 4। 4 तक लिखा। अब इन डिजिट्स को दोबारा से लिख लो। 8 6 4 2, 1 plus 0, 2 plus 1, 3 plus 2, 4 plus 3, 7. Table of 18 is there. 18 1 18 2 18 3 18 4, बन गया 118. 1 2 3 4, 118 table is there. You can check it out. Plus 1118, 11118, and so on. Crore तक लिखो, कोई problem नहीं है, कहीं पे check करो। इसीलिए बोलता हूं कि basic 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 observation observation observation। अब आप अलग से कितने ही ऐसे टेबल जनरेट करोगे, क्योंकि आपको मेथड पता चल गया। मेथड पता चल गया ना कि ऐसे भी हो सकता था यार, हमने सोचा ही नहीं कभी, ठीक है ना? वैसे सोच सकते हैं ना। तो एक नंबर है हमारे पास 37, तो बता सकता है 37 नंबर के बारे में? 3737, किसी का रोल नंबर होगा 37? है किसी का? है, खड़ा हो जा। हाँ, वहीं पे रह। देख बेटा, ये 37 नंबर है ना, आज के बाद तुझे याद रहेगा। ये 37 जो नंबर है, एक ही नंबर है जिसको हमने बोला है कि दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर, हर एक नंबर की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? इसका क्या है, देख तुझे दिखाता हूं अभी मैं। कोई भी आइडेंटिकल 3 डिजिट नंबर लिख लो। लिख लिया 3 डिजिट नंबर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स एक जैसा होना चाहिए, 1 1 1 1 2 3 नहीं हो सकता। ओके, अब इसके डिजिट्स को ऐड करो। 1 plus 1 2 plus 1, इसके डिजिट्स को ऐड करो। 27. डिवाइड करके देखो, हर बार यू विल गेट, एवरी टाइम यू विल गेट 37 37 37। सो 37 इज आल्सो इंडिकेटेड एज अ मैजिक नंबर इन मैथमेटिक्स। सर, आपने ऑड नंबर भी इवन ले लो। ये देखो, जहां से शुरू किया था, ऑब्जर्वेशन, क्लैपिंग बनती है, क्लैपिंग बनती है। सारे बैठे हैं क्लास में, लेकिन एक स्टूडेंट को, अभी मैं माफी चाहता हूं, एक स्टूडेंट को ये दिखाई दे रहा है कि ये सारे ऑड ही ले रहा है, इवन नहीं ले रहा, बाकी किसी को नहीं पता चला। बस ये चाहिए मुझे, ये ठीक है। 4 4 4, अब तो इवन है ना, अभी भी यही है। क्वेश्चन जब तक क्लास में नहीं होगा, तब तक आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। आप भी इजी, वो बिटिया ने पूछा था ना कि करंट, बैठ जा बेटे 37 इसका नाम ही 37 ना रख देना कहीं। तो शॉर्टकट, हर इंसान शॉर्टकट चाहता है। आप भी प्रैक्टिकल करते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, रीडिंग मिल जाए बस ठीक है। लेकिन शॉर्टकट ठीक है, लेकिन उसको बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना? बेसिक। अभी आप 74 को 99 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ मुझे। 74 को 99 से, चलिए कितना आ गया? ये आ गया है ना, हो गया ना? चलिए
छवि मेथड टेक्निक टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज आंसर विल रिमेन द सेम ये ऐसा नहीं होता मैथमेटिक्स में टू आंसर आ रहा है फोर मेरा आ गया टू चलो टू ऐड कर दो फोर हो गया नो ये नहीं चलता मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स पूरी सच्चाई है सच्चाई बिल्कुल सच्चाई है तो इसमें क्या है कि इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो कितना रह गया नाइन माइनस सेवन नाइन माइनस थ्री आंसर इज देयर दोबारा सुनो ये देखो सेवन टू नाइन मल्टीप्लाई बाय नाइन 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 सेवन टू एट टू सेवन वन दिस द आंसर यहां क्या किया माइनस वन क्या बन गया यहां पे क्या किया आंसर इज देयर अब कोई बच्चा अपना हाथ खड़ा करो रेज योर हैंड कि सर मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन दो मैं सॉल्व करके दूंगा क्वेश्चन बाद में बताऊंगा आ जा बेटे आ जा आ जा इस बिटिया को हम एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं आसान चाहिए या मुश्किल मुश्किल वाह क्लैपिंग कर दो पहले मेथड है बस टेक्नोलॉजी है अप्लाई करो आंसर आ जाएगा उसमें क्या वेरी गुड एक्सीलेंट सभी बच्चे कर रहे हैं मजा आया वेल डन ठीक है ये एक मिस्टेक थी इसमें ये जितने डिजिट ये है ना उतने ही ये होने चाहिए तब होता है नहीं तो नहीं होता ओके गॉट दिस कैलकुलेटर पर चेक करके देख लो लेकिन वहां पे लिखा आएगा ई ओके थैंक्स अ लॉट थैंक यू फॉर दिस फर्स्ट लेक्चर We'll be right back.